आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरी करने वाले नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। दुकानों से चोरी का ये मामला छतरपुर का है, जहां पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया। टीआई कमलेश साहू ने बताया कि हमें आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसमें से ब्यूटी पार्लर की दुकान से मेकअप का सामान, जूते चप्पल की दुकानों से जूते चप्पल तथा कुछ पैसे भी चोरी हुए थे। पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो इन नाबालिगों के बारे में पता चला। नाबालिगों को गिरफ्तार करके बाल सुधारालय में भेज दिया गया है, वहीं चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया गया है। कि आसपास की जो दुकानें हैं वहां से करीब आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर चोरियां हुई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसके हुलिया के आधार पर सक्रियता दिखाते हुए दोनों नाबालिग जो इस मामले में शामिल थे उनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की और उनके पास से बहुत सारे सामान जो चोरी गए थे बरामद हो चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।